हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑलरेडी दो वीडियो यहां पर आ चुके हैं इन दोनों वीडियो को जाके देखिए नॉलेज मिलेगी आ, सीखे सीखने का मौका मिलेगा तो यहाँ पर एक अच्छी खासी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है एज वेल एज बात करें इस वीडियो की तो इस वीडियो में चार स्टॉक से रिलेटिव बातें करने वाले ऑलरेडी थंबनेल में आपने देख लिया होगा क्लीन साइंस जी आर इंफ्रा जीएलएस तत्व चिंता तो एक दो स्टॉक्स में मैंने बाइंग करनी शुरू कर दी है उससे रिलेटिव बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ एज वेल एज इस वीडियो को जितना हो सके दूसरे लोगों के साथ शेयर करिएगा दूसरी वीडियोज को जाके देखिएगा प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिएगा बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है तो जाके उन्हें भी गो थ्रू कर सकते हैं तो आइए एक-एक करके वीडियो की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें आ, क्लीन साइंस क्लीन साइंस में अगर देखें तो मैंने आज से यहाँ पर बाइंग करनी शुरू कर दी क्यों करना शुरू कर दिया क्योंकि यहां पर अगर मैं मुझे ये कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है देखिए एक तो कह सकते हैं कि मिड कैप कंपनी है ओके okay, पंद्रह हजार सात सौ सत्तर करोड़ रुपए का मार्केट कैप है बुक uh, वैल्यू uh, अगर बात करें पी पी सेवेंटी नाइन है थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है आर ओ सी सिक्सटी की आर ओ सी है फोर्टी फाइव की आर ओ ई है काफी बेहतरीन मानी जाती है डेट की बात करें जीरो परसेंट का यहाँ पर डेट है कोई शेयर यहाँ पर प्लेस नहीं है एज वेल एज हम बात करें इसके रिजल्ट की तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंपनी ने uh, अगर बात करें ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर सेल्स ज्यादा दिखाई है यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा दिखाया है और नेट प्रॉफिट दिखाया है तो इसी चीज को हम देख के कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है हमें ऐसी कंपनी में यहाँ पर बने रहना चाहिए ये तो स्टैंडर्ड लॉन हो गया एक बार कंसोलिडेट भी देख लेते हैं तो कंसोलिडेट भी देखते हैं तो कंसोलिडेट भी यहाँ पर बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है और बात करते हैं यहाँ पर ईयरली परफॉर्मेंस तो दो हजार से यहाँ पर चार साल की हिस्ट्री हमारे पास है तो यहाँ पर कंपनी बढ़ती हुई नजर आ रही है और बात करें तो कंपनी ने दो से दो में अपने आप को दो गुने से ज्यादा कर दिया है सेल्स वाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो भी यहाँ पर अच्छी खासी है नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट को तो इसने चार गुना कर दिया तो ये चीज बता

यहाँ पर शेयर को बहुत अच्छी तरीके से भगाते हुए नजर आएंगे तो अगर हम बात करें एक बार ओ एफ एस भी तीन साल के अंदर अंदर यहाँ पर शेयर को सेवेंटी फाइव परसेंट करना होता है जैसे कि आप जानती है सेबी का रूल है मार्केट का रूल है तो यहाँ पर जब इसे इसे नीचे की तरफ लाया जाएगा उस टाइम ओ एफ एस आएगा उस टाइम शायद यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आ, आ सकती है बट वो एक लंबा पीरियड है देखते हैं कि कब तक यहाँ पर होता है तो अगर हम अभी देखें तो यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने नजर आती है तो यहाँ पर थोड़े से शेयर मार्केट में है अवेलेबल है ज्यादा शेयर अवेलेबल नहीं है एज वेल एज बात करें तो शेयर ने देखी यहाँ पर अगर देखे तो एक रेजिस्टेंस बना रखा है इससे अगर नीचे टूटेगा तो शायद और नीचे जा सकता है बट यहां पर अभी टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यहां पर मुझे ऊपर की तरफ निकल जाएगा और मुझे लगता है कि आने वाले छह से ए, महीने से एक साल के अंदर अंदर आपके पैसे को दुगना कर सकता है इसी तरीके से चीजें चलती भी है इस तरीके से शेयर भागते भी है तो ये बस सिंपल सी बात है सीखने वाली बात है तो आपको हाँ, हाँ, मैंने यहां पर बाइंग करनी शुरू कर दिया मुझे लगता है कि ये ऊपर जाएगा आप अपनी खुद की ड्यूटेजेंस यहां पर शुरू करिएगा एज वेल एज बात करें एक और पर्टिकुलर शेयर सारे के सारे न्यू शेयर से रिलेटेड बात करेंगे तो यहाँ पर अगर बात करें जे आर uh, इंफ्रा प्रोजेक्ट बात करें ये भी शेयर अभी आता हुआ दिखाई दिया है सेम प्राइस पे नजर आ रहा है बाइस का यहाँ पर आर ओ सी है पी -E रेशियो की बात करें सोलह का पी -E है डेट की बात करें यहाँ पर डेट है कंपनी के पास बहुत ज्यादा डेट है और यहाँ पर प्लेजिंग की बात करें कोई भी यहाँ पर प्लेज नहीं है एज वेल एज यहाँ पर इसके पेयर कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पर देखिए पी रे तो ये पी के मामले सबसे छोटी कंपनी यहाँ पर नजर आती है और ये मिड कैप कंपनी है Again, यहाँ पर आरोसी की बात करें आर ओ सी यहाँ पर मतलब रिटर्न के मामले में बड़ी है और यहाँ प्राइस के मामले में यहाँ पर कम प्राइस यहाँ पर नजर आ रहा है इस कंपनी का आ, इन आ, अगर बात करें पी के सेंस में तो अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की तो यहाँ पर देखिए दो ही क्वार्टर के रिजल्ट है एक मार्च में लास्ट क्वार्टर के और क्यू फोर के और क्यू वन के तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेल्स में थोड़ी सी गिरावट हुई है उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है क्यू जब ये कोविड की दूसरी वेव आई थी इसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आया सेम रीज़न नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया सेम रीजन बट अगर हम बात करें कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस की कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म देती आ रही है जो कि ईयरली यहाँ पर इनके बैलेंस शीट में पता चलेगा देखिए 916 करोड़ की सेल्स थी 2014 में और बात करें सात साल के अंदर अंदर कंपनी की सेल 916 से 8000 करोड़ के आसपास की यहां पर सेल्स में आ गई है नेट प्रॉफिट की बात करें 35 करोड़ का प्रॉफिट 953 करोड़ के प्रॉफिट में यहां पर तब्दील हो गया है यहां पर एक अगर नेगेटिव बात करें तो यहां पर नेगेटिव बात केवल एक नजर आती है वो है डेट कंपनी का डेट बहुत ज्यादा है कि यहां पर चार हजार पांच सौ पच्चीस करोड़ का यहाँ पर डेट नजर आ रहा है बट अगर हम यहाँ पर बात करें इसी की वजह से यहाँ पर अगर हम देखते हैं अदर इनकम इंका, इनकम इंटरेस्ट में तो कंपनी हर साल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देती हुई नजर आती है तीन सौ करोड़ एक बार अपने आपको डेट फ्री कर लेगी तो यहाँ पर ये तीन सौ बासठ करोड़ यहाँ पर दोबारा एड होते हुए नजर आएगा तो एक पॉजिटिव पॉइंट नजर आता है तो यहाँ पर अगर ये डेट थोड़ा सा खत्म हो जाए ना तो यहाँ पर कंपनी और बेहतरीन नजर आएगी और यहाँ पर बात करें इन्वेस्टमेंट की एक सौ तीन करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैश की बात करें 831 करोड़ का कैश है यहाँ पर जो भी पैसा दिखाई देता दिखा है इनकी बुक में दिखाई देता है जो कि यहाँ पर नेगेटिव है एज़ वेल एज यहाँ पर बात करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग तो प्रमोटर्स ने अभी यहाँ पर लिस्ट किया था ये शेयर आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया था तो थोड़े से ही शेयर यहां पर बेस्ते हुए दिखाई दिए 86% के शेयर अभी भी यहां पर प्रमोटर्स के पास ही है और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर तीन साल के अंदर अंदर ओ आता हुआ दिखाई दे सकता है और थर्टीन परसेंट के शेयर किसके पास है यहाँ पर है आ, उपर, आ, इनके प्रोमोट पब्लिक के पास पब्लिक में भी अगर बात करें यहाँ पर जीआर आर इन्फ्रा ऑफर फॉर सेल ओएफएस में यहाँ पर अगर बात करें 11.9 परसेंट के शेयर इनके पास है और कंडोई फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड के पास 1.54 परसेंट के शेयर है तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया बारह तेरह साल मतलब साढ़े तेरह परसेंट के आसपास मतलब शेयर की बात करें तो ना के बराबर शेयर मार्केट में अवेलेबल है इसके भी और ऐसे शेयर में क्या होता है ऐसे शेयर में ऑपरेटर हावी होते हैं थोड़े से शेयर होते हैं मैनुपुलेट करना इजी होता है और शेयर ऊपर की तरफ भागते हुए नजर आते हैं तो मुझे लगता है कि ये शेयर भी आगे अच्छी खासी भाग सकता है बाकी अगर सपोर्ट की बात करें कम यहाँ पर इस शेयर ने ऑलरेडी एक सपोर्ट बना रखा है यहाँ पर और मुझे लगता है कि यहां से दोबारा थोड़ा सा शेयर ऊपर की तरफ जा सकता है उसके बाद देखते हैं कि क्या स्ट्री बनाते हुए नजर आता है बट एक अपॉर्च बाय ऑन डिप्स करके यहाँ थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी उठा के हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर कैंडल यहां पर नजर भी आ रही है इसके अलावा पर बात करते हैं दूसरे शेयर की तो यहाँ पर दूसरा शेयर कौन सा है यहां पर देख लीजिए GLS. GLS की बात करूं, तो मैंने इस शेयर में भी बाइंग करनी शुरू कर दी है क्यों लीडिंग डेवलपमेंट मैनुफेक्चर ऑफ सिलेक्टेड हाई वैल्यू एक्टिव फार्मास्यूटिकल पर एंड कंपनी फर्दर ऑपरेट इन कॉन्टैक्ट डेवलपमेंट एंड मैनुफेक्चर ऑपरेशन ऑफ ऑफर सर्विस टू स्पेशलिटी कंपनी तो इनका जो बिजनेस है वो काफी बेहतरीन पर बिजनेस नजर आता है और ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियो बना रखी है उसका आई बटन पे आपको लिंक दूंगा तो यहां पर आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी यहाँ पर बात करें तेईस का यहाँ पर पीई e. है और आर की बात करें नाइनटी सिक्स आर जो की काफी बेहतरीन मानी जाती है डेट फ्री कंपनी है कोई प्लेजिंग नहीं है स्मॉल कैप कंपनी है अगेन तो स्मॉल कैप कंपनी भागती हुई नजर आती है गिरती भी से, पेस से नजर आती है बट हम बात करें इस कंपनी की तो अभी कंपनी इसका शेयर आता हुआ दिखाई दे रहा है और काफी बेहतरीन यहाँ पर ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है कंसिस्टेंट गिरावट हो रही है बट यहाँ पर गिरावट हो रही है डिप्स करके यहाँ पर चलने की एक अच्छी खासी नीति हो गई है क्योंकि अभी ये कंपनी द्वारा भगती हुई नजर आएगी अच्छा अभी आईपी आया था लिस्ट हुआ था उसके बाद नंबर आए थे और नंबर आए तो नंबर देखिए बेमिसाल आए सेल्स देखिए 525 करोड़ की सेल्स हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स है ईयरली क्वार्टरली बेस पे नेट प्रॉफिट देखे वो हाईएस्ट एवर है क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पर चार करोड़ का है, थोड़ा सा कम यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आया बट अगर बात करें ओवरऑल कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पर है अगर इनकम यहाँ पर इनकी चार करोड़ की और ज्यादा होती हुई दिखाई दी थी थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट में गिरावट है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस कह सकते हैं ओके तो यही सारा माजरा है बाकी और कुछ नहीं है इसके अलावा बात करें ईयरली परफॉर्मेंस की तो कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस दो हजार से जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप तो तीन साल में कंपनी ने अपने आप को दोगुने से ज्यादा कर दिया है मतलब आठ करोड़ की से अठारह करोड़ की सेल्स में तब्दील हो गई है कंसिस्टेंट यहाँ पर सेल्स बढ़ती नजर आई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया और नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी यहाँ पर लगभग दोगुना होता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ स्टोरी अच्छी खासी है मैनेजमेंट को काम करना आता है रिजर्व यहाँ पर देखिए माइनस एक करोड़ से यहाँ पर सात करोड़ के हो गए हैं कितने साल में तीन चार साल के अंदर अंदर बोरिंग की बात करें कंपनी डेट फ्री है यहाँ पर ये इसका फायदा हो जाता है कि इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता वर्किंग प्रोग्रेस में चौदह करोड़ रुपए ऑलरेडी लगे हुए हैं कैश की बात करें कैश भी कंपनी का करोड़ रुपए का है इसके अलावा और जो भी पैसा आता है कि बुक में दिखाई देता है है इस बार 120 करोड़ रुपए का कैश फ्लो और यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न दे ही रखा है बट अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका अच्छा खासा ही होगा जो थोड़ी बहुत दिन में यहाँ पर अपडेट हो जाएगा या एक बार देख लेते हैं यहाँ पर जीएलएस एक बार आपके लिए यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर अगर दे रखा होता है तो लाइफ साइंस पर इस तरीके यहाँ पर आ, इस को निकाल से आप भी सकते होल्डिंग दे नहीं रखी शेयर होल्डिंग पैटर्न तो इसलिए यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न दे नहीं रखा बट अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इसके यहाँ पर, आ, पर यहाँ पर इसके चार्ट पैटर्न की तो देखिए यहाँ पर ये यह शेयर को अभी एक महीना भी नहीं हुआ है पहली बात तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो सकता है

रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती है या किस तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं मुझे कंपनी अच्छी लग रही है इसलिए मैंने यहाँ पर बायोन डिप्स करने की यहाँ पर सोची है देखते हैं कि मेरा डिसीजन किस तरीके से जाता है इसके अलावा एक और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और कंपनी यहाँ पर नजर आती है तत्व चिंतन जो कि आपको पता ही है फार्मा से रिलेटेड कंपनी है फार्मा केमिकल से रिलेटेड इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो मैं बनाऊंगा बहुत जल्दी यहाँ पर बात करें पी काफी महंगा नजर आ रहा है शेयर आर ओसी काफी अच्छा है अट्ठाईस सौ छत्तीस का यहाँ पर आर ओसी है चौवन परसेंट का यहाँ पर कंपनी का डेट भी है कोई प्लेजिंग नहीं है और स्मॉल कैप कंपनी है अगेन बट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ चीजों की तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट यहाँ पर कंपनी के जो क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट है वो काफी बेहतरीन है ईयरली बेसिस पे सेल्स दुगनी होती है नजर आ रही है क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ पर थोड़ी सी स्लाइटली यहाँ पर सेल्स कम हुई है बट अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर ईयरली बेसिस पे तीन गुना होता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टरली बेसिस पे भी करोड़ का कर पर प्रॉफिट यहाँ पर नजर आ रहा है इसके अलावा प्रॉफिट ईयरली बेसिस पर बात करें तो कंपनी एक ग्रोथ दिखा रही है वन करोड़ फिर दो करोड़ फिर दो सौ तेईस तीन करोड़ रुपए की सेल्स मतलब कंपनी ने अपने आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर नजर आ रही है नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी यहां पर अच्छा

कंपनी है ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगेन यहाँ पर नहीं दे रखी है कोई इशू नहीं है बट हम यहाँ पर बात करते हैं सीधे तत्व चिंतन के टेक्निकल्स की तो यहाँ पर एक चीज मुझे नजर आ रही है आई डोंट नो आपको नजर आ रही है या नहीं आ रही है अगर हम यहाँ पर पहले तो यहाँ पर देखते हैं तो देखिए कंपनी ऑलरेडी uh, काफी यहाँ पर गिर चुकी है ट्वेंटी फाइव परसेंट का यहाँ पर से गिर गई थी उसके बाद यहाँ पर ऊपर जाती हुई नजर आई है बट एक चीज यहाँ पर नजर आ रही है वो क्या है तो यहाँ पर ये यह चीज है कि यहाँ पर जो ये कंपनी है यहाँ पर एक शोल्डर बनाती हुई नजर आ रही है यहाँ पर एक शोल्डर थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जो कि कैंडल दिखा भी रही है थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पर एक हेड बनाएगी और हेड बना के फिर शोल्डर बना के ये कंपनी ऊपर निकल सकती है तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है रिवर्स हेड एंड शोल्डर का चार्ट पैटर्न बनता हुआ और शायद ये कंपनी कुछ ऐसा बनाती हुई नजर आएगी तो देखते हैं किस तरीके का यहाँ पर नजर नजर बनाती हुई नजर आती ये कंपनी किस तरीके का चार्ट बनाती है उसके बेस में हम डिसाइड करेंगे इसमें मैंने कोई बाइंग नहीं करी है ये शेयर थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई देगा देखिए इस तरीके से शायद ये हो सकता है यहाँ पर ये गिर के यहाँ पर हेड बनाए और फिर यहाँ पर गिर के ये शोल्डर बनाए और ये शेयर ऊपर

तीनों कंपनी का यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा खासा है थोड़ा सा और टाइम देते हैं तो आने वाले रिजल्ट के बाद कंपनी और यहाँ पर किस तरह रिजल्ट बता देंगे कि कंपनी किस तरीके का कर परफॉर्म करके दिखाएगी तो एक आध महीने का और वेट कर लो या फिर बाय और टिप्स की यहाँ पर नीति अपना सकते हो बट वो भी आपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके करना है किसी के कहने पर नहीं करना है इवन मेरे कहने पर भी नहीं करना है सिंपल स्टडी करना है सीखना है सीख के यहाँ पर आपको सब कुछ करना है सब चीज़ आपको ऑलरेडी बता रखा है और वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट करिए यहाँ पर और शेयर करिए सो थैंक Thank you so much for the blessing.